देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। बयाना में आज बैसाखी का पर्व गुरुद्वारा सिंह सभा के तत्वावधान में सामूहिक रूप से श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह के समय कस्बे के मुख्य गुरुद्वारे में सुखमनी का पाठ वाह निशान साहिब के चोला बदलने की रस्म निभाई गई, जिसमें सिख समुदाय के लोगों, महिलाओं और बच्चों सहित अन्य लोगों ने भी श्रद्धा भाव से भाग लिया और गुरु के दरबार में मत्था टेका। गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार इंद्रजीत सिंह और ज्ञानी दयाल सिंह ने बताया कि आज ही के दिन 381 वर्ष पूर्व संवत 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ वास्तविक स्वरूप की स्थापना की थी। सत्यमेव न्यूज के लिए बयाना से देवी सिंह प्रजापत की विशेष रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संत संगत को हर्षोल्लास के साथ में वाहेगुरु जी का खालसा और फतेह की प्रवान करनी जी। आज बैसाखी का दिहाड़ा, जब मुगलों का अत्याचार बढ़ा, तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने 1699 की बैसाखी को खालसा पंथ का सृजना किया। खालसा पंथ सजा के पंच प्यारों के रूप में एक सिख इतिहास रचा, जिसमें लाखों की तादाद में संगतों ने सहयोग दिया। अते जो सिख आज चढ़दी कला में है, वो हिंदुत्व की रक्षा के लिए तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने ये फौज तैयार की थी, ताजो मुगलों को टाकरा दे सके, जुल्म के सामने खड़े होने की हिम्मत तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज में थी, जिन्होंने ये इतिहास रचा। आज बैसाखी के दिहाड़ी को मुख रख के समूह संगता ने बयाने की ने गुरुद्वारे के अंदर तन तन श्री निशान साहब जी के चोले की सेवा की। उपरांत 9:30 बजे श्री सुखमणि साहब जी के जाप होंगे, कीर्तन दीवान सजाए जाएंगे, 12 बजे गुरु का लंगर अतूट बरतेगा, जिसमें समूह संगता हर्षोल्लास के साथ में अपने जन्म दिहाड़े खालसा की जन्म सृजना दिहाड़े को मुख रख के हर्षोल्लास के साथ में मना रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।